नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन फिर से लेकर आ गया हूं मैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन बी इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। अगला है, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था? तो ऑप्शन ए समाहर्ता होता था। अगला क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत कहाँ है? तो रॉकी पर्वत जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। और अगर बात आती है एटलस पर्वत कहाँ है, तो एटलस पर्वत की तो कहेंगे तो ये है आपका ऑप्शन डी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन सी जापान को कहते हैं। अगला है क्रोना, क्रोना जो है किस देश की करेंसी है? तो ऑप्शन बी स्वीडन की करेंसी है। अगला क्वेश्चन आपका है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन जो है ऑप्शन ए मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है ओणम, ओणम जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन सी ओणम जो है वो केरल राज्य का त्यौहार है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गाइस सभी को पता होगा ऑप्शन ए नील नदी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? तो ऑप्शन डी जापान में। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? तो आपको पता होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो ऑप्शन डी मेन कारण जो होता है, मेन रीज़न होता है वो आयरन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ होता है ऑप्शन बी हीरा। अगला है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन डी हिमालय में। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का क्षेत्रफल है ऑप्शन डी 32,87,263 किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है जिसमें समिति है और संबंध है और कूट द्वारा आपको आंसर बताना है गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। पहला है उर्जित पटेल, उर्जित पटेल का हो जाएगा पहले वाले से मौद्रिक नीति समीक्षा। फिर है नचिकेत मोर, नचिकेत मोर का हो जाएगा चौथे वाले से वित्तीय समावेशन। फिर है दामोदरन, इसका हो जाएगा तीसरे वाले से बैंक ग्राहक सेवा में सुधार। फिर है बैद्यनाथन, इसका हो जाएगा दूसरे से ग्रामीण सहकारी ऋण। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन सी बुलर झील। और अगला है, चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है ऑप्शन सी ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एसएच का संबंध किस खेल से है? तो सभी को पता होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। अगला क्वेश्चन आपका है, तमिल इतिहास में संगम शब्द का अभिप्राय है? तो ऑप्शन डी
मदुरा के पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में आयोजित की गई तमिल विद्वानों की धर्म परिषद। अगला है तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। अगला है जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो होती है ऑप्शन सी दूरी की इकाई होती है। अगला किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं, मतलब सैटेलाइट हैं, तो ऑप्शन डी बृहस्पति। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी आपको बता देता हूँ ऑप्शन बी जेम्स चैडविक। और अगला है कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिवॉल्वर। अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है, ऑप्शन सी फीमर। अगला क्वेश्चन आपका है किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, ऑप्शन सी पाकिस्तान। अगला है कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रोबिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन है फुटबॉल। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है ओडिसी जो होता है भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो ओडिसी जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तमिल राजवंश संगमकालीन था, कूट द्वारा बताना आपको, तो ऑप्शन सी पहला तीसरा चौथा, पहला है पांड्य तीसरा है चोल और चौथा है चेर। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन सी चंपा। अगला है पार्टिकुलेट मैटर कणीय तत्व का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण। अगला है जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है, तो ऑप्शन बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्किमो कहाँ के खाना बदोश शिकारी हैं, तो ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन आपका बनता है प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है, तो प्रोटीन जो सबसे अधिक होता है ऑप्शन डी सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में कौन था, तो ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है ऑप्शन डी बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है, ऑप्शन डी तंत्रयान। अगला है किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है, ऑप्शन ए रूसो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाइस कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी का विषय क्या है, तो ऑप्शन डी कश्मीर के राजाओं का इतिहास। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तमिल नरेश के बारे में यह कहा जाता है कि उसने 20 ईस्वी पूर्व में यूनानी नरेश अगस्टस के पास एथेंस में अपना राजदूत भेजा था,
ऑप्शन सी पांड्य। अगला है अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो गए हैं। और अगला है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ए 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन है त्यागराजन कौन था, तो त्यागराजन जो था ऑप्शन सी संगीतज्ञ था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरीज है या आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट करके अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। और अगर आप यूपी पुलिस और SI की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आने वाले टाइम में आपको यूपी पुलिस और UPSI से रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, अगर कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू।